हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रोडेंट्स का हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम रोडेंट्स का यूजफुल इम्पैक्ट और इनका हार्मफुल इम्पैक्ट दोनों स्टडी करेंगे। और इसके पहले के वीडियो में जिस वीडियो का पार्ट फर्स्ट था, हमने उसमें रोडेंट्स का हम इंट्रोडक्शन, मीन्स रोडेंट्स किसे कहते हैं, किसे इनकी डिफिनीशन और ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में स्टडी किए थे। रोडेंट्स के एग्जाम्पल के बारे में स्टडी किए थे और रोडेंट्स की वैरायटी, मतलब कितनी टाइप की वैराइटीज़ पाई जाती हैं, उनके बारे में स्टडी किए थे। तो आज हम शुरू करते हैं रोडेंट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि रोडेंट्स का यूजफुल इम्पैक्ट क्या है। रोडेंट्स मीन्स लाइक रैट एंड स्क्वायरल्स आर यूज्ड फॉर डिसेक्शन इन द कॉलेज लेबोरेटरी, मीन्स कॉलेज के लैब में हम रोडेंट्स का यूज करते हैं डिसेक्शन करने के लिए, जैसे कि रैट्स एंड स्क्वायरल्स का हम यूज करते हैं डिसेक्शन में। सेवरल रोडेंट्स आल्सो यूज्ड फॉर स्पेसिमेन स्टडी, इनका स्पेसिमेन स्टडी में भी हम रोडेंट्स का यूज करते हैं। रोडेंट्स आर यूज्ड एज फूड बाय ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल मीन्स जो आदिवासी होते हैं उनके खाने के लिए भी रोडेंट्स का यूज होता है। एंड देयर स्किन्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स लाइक पर्स, ऑर्नामेंट्स फॉर हाउस एक्सेट्रा। रोडेंट्स का इस्तेमाल पर्स बनाने में, मीन्स पर्स को बनाने में यूज करते हैं। और इनका ऑर्नामेंट्स मीन्स घर की सजावट में भी रोडेंट्स की जो स्किन होती है उनसे पर्स बनती है, और इनके जो स्किन से जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स बनते हैं जिससे घर को सजाया जाता है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्किन ऑफ रोडेंट्स आर आल्सो यूज्ड एज क्लॉथ्स बाय ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल पीपल होते हैं मीन्स जो आदिवासी होते हैं रोडेंट्स के स्किन का यूज करते हैं, उनसे अपने कपड़े बनाते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प इन पॉलिनेशन, मीन्स ये पॉलन ग्रेन्स को फैलाते हैं, मीन्स पॉलिनेशन को करते हैं, एज वेल एज डिस्पर्जल ऑफ सीड, और ये सीड को डिस्पर्जल मीन्स सीड को ये फैलाने में हेल्प करते हैं रोडेंट्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल। रोडेंट्स का यूज रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड में करते हैं, मीन्स R&D फील्ड में करते हैं, और इनसे वैक्सीन बनाने में भी हेल्प मिलता है, इनके ऊपर टेस्ट होता है रोडेंट्स के ऊपर। यूजफुल इम्पैक्ट के बाद हमें अब रोडेंट्स का हार्मफुल इम्पैक्ट, इनके बारे में स्टडी करना है। रोडेंट्स आर सीरियस पेस्ट, पेस्ट मीन्स ये ह्यूमन को इकोनॉमिकली बहुत हार्मफुल पहुँचाते हैं, इकोनॉमिकली मीन्स ह्यूमन को आर्थिक रूप से बहुत हार्मफुल पहुँचाते हैं। एज वेल एज वेक्टर, ये वेक्टर मीन्स ये कई सारे डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, कई सारे डिजीज़ के कैरियर होते हैं। ऑफ अ नंबर ऑफ अबाउट 32 डिजीज़, मतलब कि 32 डिजीज़ के ये कैरियर होते हैं रोडेंट्स। सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एज पेस्ट एंड वेक्टर्स आर एज फॉलो, दी एनुअल टोटल लॉस ऑफ क्रॉप्स बाई दैट्स इज अबाउट 11.5% इन वीट, 5-25% इन ग्राउंड नट, 5-8% इन शुगर केन, 4-6% इन पैडी, 14% इन मेज एंड 5% इन कोकोनट। रोडेंट्स का एक टाइप जो रेड्स है वे, मतलब एनुअल ईयर मीन्स एक साल में ये वीट को मीन्स 11.5% वीट के प्रोडक्शन को लॉस करते हैं, 5-25% ग्राउंड नट के प्रोडक्शन को, 5-8% शुगर केन को, 4-6% पैडी मीन्स राइस की क्रॉप को, मीन्स राइस के ग्रेन्स को, 14% मेज को एंड 5% कोकोनट को। कोकोनट में जो ऐसे आर्बोरियल मीन्स जो ऐसे रोडेंट्स होते हैं जो ट्री पर चढ़ते हैं उनको हम आर्बोरियल बोलते हैं, और इसमें ऐसे रोडेंट्स होते हैं जो कोकोनट के पेड़ पर जाके मीन्स उनके ट्री पर जाके 5% कोकोनट को लॉस करते हैं। ये सब डाटा वेरी करता रहता है क्योंकि इसमें लगातार चेंजेस होती रहती है। रैट्स आर कैरियर वेक्टर ऑफ प्लेग, दैट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, टाइफस फीवर दैट इज बैक्टीरियल डिजीज, ट्राइकिनोसिन दैट इज अ राउंड वर्म डिजीज एक्सेट्रा। रैट्स कई सारे बीमारियों के वेक्टर होते हैं, मीन्स कई सारे डिजीज़ के कैरियर होते हैं, जैसे कि प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफस फीवर जैसे कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ ये भी है, ट्राइकिनोसिन ये राउंड वर्म डिजीज़ है। नेक्स्ट डिजीज़ इज हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपिंस यूरिन रैट बाइट एक्सेट्रा। जो हेंटा वायरस होता है ये रैट्स से फैलता है, रैट्स के वेस्टिंग मटेरियल जिसको बोल रहे हैं ड्रॉपिंग्स यूरिन, और अगर रैट किसी को बाइट करता है उससे भी ये हंटा वायरस फैलने का चांस रहता है। जो हंटा वायरस होता है ये एक पल्मोनरी सिंड्रोम डिजीज़ है, मींस ये कोल्ड कप डिजीज़ है, ट्रांसमिटेड थ्रू ये रैट के वेस्टिंग मटेरियल जिसको ड्रॉपिंग्स बोलते हैं, रैट के यूरिन से अगर रैट बाइट कर ले तो उससे ये डिजीज़ ट्रांसमिट होता है रैट से। रैट बाइट एंड स्क्रैचेस कैन रिजल्ट इन डिजीज़ एंड रैट बाइट फीवर। अगर किसी को रैट बाइट करता है, मीन्स किसी को रैट काटता है या फिर उसको स्क्रैच कर देता है अपने नाखूनों से,
तो वहाँ पर डिजीज़ मीन्स कई सारे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है और रेड वाइट फीवर भी होता है। नेक्स्ट डिजीज़, रेड यूरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस। रेड इज अ बैक्टीरियल डिजीज़ विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ लीवर एंड किडनी। रेड के यूरिन से एक ऐसा इन्फेक्शन होता है, एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं लेप्टोस्पायरोसिस। इससे क्या होता है कि लीवर और किडनी में डैमेज होता है। नेक्स्ट डिजीज़ दैट इज लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिनजाइटिस, दैट इज LCMB, इज अ डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ वायरस विच इज ट्रांसमिटेड बाय सलाइवा एंड यूरिन ऑफ रेड्स। मतलब कि जो LCMB डिजीज़ होता है, ये एक डिसऑर्डर डिजीज़ है नर्वस सिस्टम का, और ये एक वायरस से होता है। और वायरस को एक कौन ट्रांसमिट करता है? रेड्स का सलाइवा और यूरिन इस वायरस को ट्रांसमिट करता है। मीन्स इस वायरस का वो एक वेक्टर होता है जिससे ह्यूमन को नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज, रेड्स आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ एलर्जेंस, देयर ड्रॉपिंग्स ड्रेंडर एंड सिड हेयर्स कैन कॉज पीपल टू स्नीच एंड एक्सपीरियंस एलर्जिक रिएक्शंस। अगर रेड्स में मतलब इतनी क्षमता होती है, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एलर्जिक रिएक्शन को बहुत ज़्यादा करते हैं अपने ड्रॉपिंग्स के थ्रू, डेंडर जो उनके बालों में जो रूसी पाए जाते हैं उसके थ्रू, एंड सिड हेयर्स अगर इनके बाल गिर जाते हैं उनसे भी, कैन कॉज पीपल टू स्नीच। मतलब कि स्नीच की डिजीज़ को कॉज करते हैं, मीन्स छींकने की बीमारी एक एलर्जी होती है, एंड एक्सपीरियंस एलर्जिक रिएक्शन, और कई सारे एलर्जिक रिएक्शन को ये कॉज करते हैं। लास्ट डिजीज़ डेट इज क्यूटेनियस, ये स्किन से संबंध का डिजीज़ है, जैसे कि लीशमैनियासिस, सल्मोनेलोसिस एंड कोलेरोटिक। ये सभी फीवर एक्सेट्रा ये सभी ट्रांसमिट होते हैं रेड से, और एक ऐसा डिजीज़ है क्यूटेनियस, मीन्स ये स्किन प्रॉब्लम डिजीज़ है। इस वीडियो में हम रोडेंट्स का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जिसमें हमने इनका यूजफुल इम्पैक्ट और इनका हार्मफुल इम्पैक्ट, इनके बारे में स्टडी किया, जो वीडियो का पार्ट सेकंड था। और जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो थर्ड पार्ट रहेगा, जिसमें हम रोडेंट्स का कंट्रोल, इनके बारे में स्टडी करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।